हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 फ़ोन में आप लोग नोटिफिकेशन साउंड को कैसे बंद कर सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन साउंड को बंद करना है, आपके फ़ोन में जो है बहुत सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर बार बार आ रहे हैं, तो आप लोगों को जो है बार बार यहाँ पर नोटिफिकेशन साउंड सुनने को मिल रहा है, तो इसलिए जो है आप लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रहा है। तो आपको जो है नोटिफिकेशन साउंड को ऑफ़ कर देना है। तो कैसे आप लोग अपने फ़ोन में जो है नोटिफिकेशन साउंड को ऑफ़ कर सकते हो, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन साउंड को ऑफ़ करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का। तो इस साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस सिस्टम साउंड का। तो इस सिस्टम साउंड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक साउंड का यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको ऑफ़ कर देना। यह ऑफ़ करने से भी आपका जो नोटिफिकेशन साउंड है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर एक वॉल्यूम का ऑप्शन होगा, वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन का एक वॉल्यूम यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, तो इसको जो आप लोगों को एकदम कम कर देना है। अगर आप लोग इसको एकदम कम कर दोगे तो आपका जो नोटिफिकेशन साउंड है वो एकदम 100% बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक नोटिफिकेशन साउंड का भी ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर एकदम ऊपर की तरफ देख सकते हैं साइलेंट का ऑप्शन होगा, साइलेंट पे क्लिक करके बैक कर देंगे। ऐसा करने से ही आपका जो नोटिफिकेशन साउंड है वो बंद हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 फ़ोन में नोटिफिकेशन साउंड को बंद कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।